मध्य प्रदेश की सरकार ने एक अहम फैसला लिया है जिसमें अब मंत्रियों और अधिकारियों की परेशानी बढ़ सकती है। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार अब मंत्रियों का इनकम टैक्स नहीं जमा करेगी, इसका भुगतान अब खुद मंत्रियों को करना होगा। मध्य प्रदेश में 1972 से यह नियम चली आ रही थी कि राज्य सरकार सभी मंत्रियों और अधिकारियों का इनकम टैक्स सरकार भरती थी, लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। बता दें कि बैठक में सीएम डॉक्टर यादव ने इसका सुझाव रखा है, जिस पर सभी ने सहमति दी। इसके साथ ही कैबिनेट में जेल सुधार में कैसे सुविधाएं बढ़ाई जाए और कैदियों को रोजगार से जोड़ा जाए, इस दिशा में सरकार विचार विमर्श कर रही है। इस दौरान कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया कि शहीदों के माता पिता को भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। अब जो भी सहायता राशि शहीद को दी जाती है, इसका 50% माता पिता को भी दी जाएगी। और संविधान की दुहाई देने वाले लोगों ने आज से 50 वर्ष पहले आपातकाल लगाकर संविधान की धज्जियां उड़ाई थी। आज वो लोग संविधान की प्रतियां लेकर पार्लियामेंट में हैं। स्वतंत्रता के बाद पहली बार सारे देश को जेल बनाने वाले लोग आज संविधान की प्रतियां लेकर चल रहे हैं। आज की कैबिनेट की बैठक के पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी बात का स्मरण कराते हुए, ये सब लोग जो संविधान का राजनीतिक उपयोग कर रहे हैं उनकी निंदा की है, और जिन लोगों ने आपातकाल लगाया था उस आपातकाल के कारण कई लोग एक तरीके से बर्बाद हो गए, जिनको कि मैं भी प्रत्यक्ष रूप से जानता हूँ, मोहन जी भी प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं कि उनके परिवार के लोग जेल में चले गए, बिजनेस खत्म हो गए, किसी की माताजी का निधन हो गया, किसी के पिताजी का निधन हो गया, वो अपने कंधा नहीं दे पाए। वो ऐसी परिस्थिति में उन सब के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहानुभूति प्रकट की है और आपातकाल लगाने वालों की निंदा की है। दूसरा, आज लोकसभा अध्यक्ष के लिए ओम बिरला जी को एक बार फिर से पार्टी ने फॉर्म भरवाया है, मंत्रिमंडल ने उन्हें बधाई दी है और शुभकामनाएं दी है। जेल सुधार गृह है वो, उसमें और कैसे सुविधाएं बढ़ाई जाए और वहां रहने वाले बंदियों को रोजगार से जोड़ा जाए, स्किल डेवलपमेंट किया जाए, इस दिशा में सरकार अतिशीघ्र विधानसभा में एक बिल लाएगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है जिसमें हमारे एग्रीकल्चर से पास आउट नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, सॉइल टेस्ट के लिए भारत सरकार ने सभी ब्लॉक्स में भवन भी बना दिए, पर अब भी व्यवस्थित सॉइल टेस्ट हो, इसके लिए आज के मंत्रिमंडल में निर्णय लिया गया कि हम कुछ कृषि से संबंधित सहकारी संस्थाएं व एग्रीकल्चर पास आउट नौजवान अब वहां पर सॉइल टेस्ट कर सकेंगे। सरकार उनके खर्चे जिससे आत्मनिर्भर बन सके, लगभग 45-45 टेस्ट हर ब्लॉक में कराएगी और उसका पेमेंट करेगी, और बाकी वो अपनी क्षमता से किसानों को समझाकर जितना ज़्यादा सॉइल टेस्ट करा सके उससे उनको आर्थिक लाभ भी मिलेगा और किसानों को अपनी सॉइल की टेस्ट रिपोर्ट भी सही मिलेगी। ये बहुत ही अच्छा निर्णय हुआ है किसानों के हित में। पूरे ब्लॉक में, सारी 313 ब्लॉक में ये प्रयोगशालाएं काम करेंगी।
अभी तक वृक्षारोपण के लिए सीएसआर के माध्यम से 10 हेक्टेयर जमीन पर ही सीएसआर के माध्यम से पेड़ लगाए जा सकते थे, जिससे कई छोटे दानदाता उसे चूक जाते थे। अब 10 हेक्टेयर की जो सीमा थी उसको समाप्त कर दिया, और कोई अगर 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर में भी प्लांटेशन करना चाहे अपने सीएसआर के माध्यम से तो कर सकेगा। आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है। एक और महत्वपूर्ण निर्णय है कि मध्य प्रदेश में जितने भी सैनिक स्कूल हैं तो मध्य प्रदेश सरकार उन्हें स्कॉलरशिप प्रदान करती है, पर कई बार चयन में मध्य प्रदेश के विद्यार्थी मध्य प्रदेश के बाहर सैनिक स्कूल में प्रवेश पाते हैं तो उन्हें इस सुविधा का लाभ नहीं मिलता था। आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि ऐसे मध्य प्रदेश के चयनित सैनिक स्कूल के विद्यार्थी जो मध्य प्रदेश के बाहर पढ़ रहे हैं उन्हें भी मध्य प्रदेश की सरकार स्कॉलरशिप प्रदान करेंगे। एक भारतीय खेल प्राधिकरण भोपाल की 100 एकड़ जमीन पहले से ही थी, उनको 1 एकड़ जमीन की और आवश्यकता थी, वो भी आज वापस नाम मात्र शुल्क 1 रुपये भूभाटक पर देने का निर्णय हुआ है। 1 एकड़ 100 एकड़ तो पहले से दे चुके हैं। अभी तक रेल की जितनी परियोजनाएं मध्य प्रदेश में बनती थी उसकी मॉनिटरिंग का काम उनके साथ सहभागी का काम परिवहन विभाग देखता है। आज एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, ये जवाबदारी अब लोक निर्माण विभाग की होगी। रेल परियोजनाएं जितनी भी मध्य प्रदेश में आएगी उनके उनके समन्वय का काम अब लोक निर्माण विभाग करेगा। आज एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि हमारे मध्य प्रदेश के कई लोग पैरामिलिट्री के लोग मिलिट्री में पुलिस में काम करते करते शहीद हो जाते हैं। साधारणतः परंपरा ये रही है कि जो भी सरकार की ओर से आर्थिक सहायता मिलती है वह उस मृतक की पत्नी को मिलती है, पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया मंत्रिमंडल के सामने कि क्यों ना हम उनके माँ बाप को भी 50% दें। साधारणतः व्यवहारिक रूप से यह होता है कि जो सेना में काम करने वाले सर्विस करने वाले नौजवान काफ़ी यंग स्थिति में ही उनकी डेथ हो जाती है, तो माँ बाप का भी एक ही लड़का होता है, जितनी राशि आती है वो उसकी पत्नी को मिलती है, माँ बाप वंचित रह जाते थे। तो ये व्यवहारिक रूप से हमने देखा है, मतलब मैं खुद मैंने देखा इंदौर में 2 परिवार ऐसे थे कि पत्नी पैसे लेकर और चली गई, जरे माँ बाप उनके पेरेंट्स को भी। एक बहुत छोटा सा भारतीय चुनाव आयोग ने जब चुनाव के पहले चुनाव प्रचार समाप्त हो जाता 48 घंटे तक तो साधारणतया राजनीतिक दलों को विज्ञापन देने की प्रिंट मीडिया में विज्ञापन देने की छूट थी, पर राज्य निर्वाचन आयोग ने इस पर प्रतिबंध लगाया था कि नगर पालिका नगर निगम लोकल बॉडीज के चुनाव हो तो जैसे ही चुनाव प्रचार थम जाता था तो प्रिंट मीडिया को विज्ञापन नहीं मिलते थे। हमने भी भारत शासन के निर्वाचन आयोग के नियम के अनुसार इसमें संशोधन किया है, अब राज्य निर्वाचन आयोग भी प्रिंट मीडिया को लोकल बॉडीज के चुनाव में विज्ञापन देने की छूट प्रदान करेगा। पहले चुनाव डायरेक्ट होते थे नगर पालिका नगर पंचायत के
पिछली बार निर्णय लिया गया था कि पार्षद के चुनाव तो डायरेक्ट हों किंतु नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्ष के इनडायरेक्ट हों। इसलिए गजट नोटिफिकेशन पहले अध्यक्ष का भी होता था, क्योंकि अध्यक्ष पहले जनता द्वारा निर्वाचित होता था। अब चूंकि अध्यक्ष पार्षद होता है तो पार्षद का गजट नोटिफिकेशन हो जाता है, इसलिए अध्यक्ष की करने की आवश्यकता नहीं। तो किसी एक केस में पिटीशन लगाया गया था, जब हाई कोर्ट ने कहा कि भाई इसमें स्पष्ट कर, सरकार ने आज स्पष्ट कर दिया है कि सिर्फ पार्षद का ही नोटिफिकेशन होगा, क्योंकि पार्षद के रूप में अध्यक्ष का गजट नोटिफिकेशन हो जाता है, इसलिए अध्यक्ष का गजट नोटिफिकेशन नहीं होगा। आज एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया, आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने मंत्रिमंडल के सामने एक सुझाव दिया कि जो मंत्रिमंडल के सदस्यों को वेतन भत्ता मिलता है उस पे लगने वाला इनकम टैक्स राज्य सरकार भरती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव रखा सभी मंत्रियों के समक्ष कि यह अधिनियम के माध्यम से राज्य सरकार मंत्रियों के भत्ते पर लगने वाला इनकम टैक्स राज्य सरकार भरे। आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि इस अधिनियम की खंडिका को हम समाप्त कर देंगे और सारे मंत्रीगण जो मिलने वाला भत्ता है उसका इनकम टैक्स स्वयं भरेंगे। थैंक यू। सबको जरा कुछ